आदाब सत श्री अकाल जी, मैं राकेश तारा लेके आया हूँ जेके न्यूज ब्रेक टॉप 10। जी हाँ, हमारी यही कोशिश होती है कि दिन भर की जो भी खबरें हो आप तक पहुँचाए, और जेके न्यूज ब्रेक जो है हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर रखता है। कर रहे हैं, हमारा जो मसला है ये है, जैसे 2707 हैं, अपना 462 है, 408 है, 99 है, जो 408 हैं इनकी NIC नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि इनकी NIC भी हो, 402 हैं जो उनके, इनकी भी NIC नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि इनकी भी NIC नहीं हो जाए, और जो 99 है उनकी NIC हुई है। नमस्कार, मेरा नाम आशीष वर्मा, हम जहाँ प्रदर्शन स्थिति कर रहे हैं, हर इंसान चाहता है, नौकरी करता है पैसों के लिए, क्या वो उनको अपने पैसे मिल रहे हैं, पे मिल रही है, सैलरी मिल रही है, पर हमारे डिपार्टमेंट में कुछ नहीं मिल रहा। हम बहुत से 10-15 साल से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, और पिछले 5-6 महीने से हमें कंटिन्यू बेसिस मिल रही है। बहुत से साथी जिनकी NIC नहीं हुई है, गवर्नमेंट का एक पोर्टल था NIC नेशनल इन्फॉर्मेशन, इनके आधार कार्ड लिंक करने थे, और डिपार्टमेंट का काम था लिंक करना। हमारे साथियों के कुछ साथियों के आधार कार्ड लिंक नहीं हुए, जिन साथियों के आधार कार्ड लिंक हो गए उनकी पे मिल रही है, पर और तो कुछ बंदा जिनके आधार कार्ड लिंक नहीं है उनकी सैलरी नहीं आ रही, वो भी दिन रात काम कर रहे हैं, खाने दे रहे हैं, और इनका कुछ नहीं हो रहा। हम उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कम से कम उनका भी ध्यान रखें, गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिपार्टमेंट क्या कर रहा है उनके लिए। पिछले 7-8 महीने से उनको कोई सैलरी नहीं है, और बहुत से साथी हमारे उन्हें जाने गवा चुके हैं, काम करते वक्त हैंडीकैप हो चुके हैं, बाजू कटवा चुके हैं, और ना ही कोई पॉलिसी है, तो उनका क्या कसूर है। तो गवर्नमेंट के अंदर हम चाहते हैं वो भी पॉलिसी बने,
और उनको ही मुआवजा मिले जाए। और उनका ये हालत होगी, आज देखो देखा उधर रोना आता है, वो खाना खाने के लिए लायक नहीं बचे, खुद नहीं खाना खा सकते, उन्होंने काम क्या करना, अपना परिवार कैसे पालना है। तो बहुत से लोग जहाँ पे हमारे काम करते हुए तो बूढ़े हो चुके हैं, रिटायरमेंट की नौबत देने के ओवर एज हो चुके हैं, अभी तक गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। हम गवर्नमेंट से गुहार लगाते हैं हमारे डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ना कुछ देखें और मिनिमम वेजेस जो एक्ट है वो भी लागू करें, और इन लोगों का भी हमारा भी सोचे कुछ। हम जहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं पर हमारा आज तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, खाली आश्वासन मिल रहे हैं, आखिर कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे। और इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर हमारे ये हड़ताल कामयाब नहीं हुई, कुछ प्रोटेस्ट गवर्नमेंट ने हमारा ये मांगे नहीं मांगी, तो हम इसे उग्र प्रदर्शन करेंगे। लीडर कदावर लीडर और पार्टी दे साढ़े डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट रजौरी दे आजाद मिर्जा साहब इस दुनिया च नहीं रहे, चंद रोज पहले ही वो इस पार्टी दफ्तर आए सन, क्योंकि जब असी डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंटा की मीटिंग बुलाई उस दिन नहीं सन पहुँच सके, तो मैं उन्होंने फोन किया कि भाई तुम क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा सर मेरा ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव हो गया है तो मैं नहीं आ रहा इस कारण, तो लिहाजा उस तो बाद किते वो आए और अपनी फाइल जमा करा के गए सारी कमेटियां दी। लेकिन बड़े जिंदगी असी बड़े इंसान देखे, एक ऑफिसर रिटायर होए सन, वो ACD सन, एज ACD रिटायर होए, और उसका सलाजिया साहब ने भी कहा कि वो बड़ी ब्रह्मा च BDO भी रहे और काफ़ी अच्छी पोस्टिंग भी उन्होंने रही। लेकिन जदों भी उन्होंने असी मुलाकात हुई, जदों भी असी उन्होंने मिले, हमेशा उन्होंने कदे किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, कदे भी किसी की निंदा या चुगली नहीं की। अमूमन क्या होता है सियासत चुगली निंदा एक दूए की लैग पुलिंग ये चीज़ा होंगे, बट मैं मिर्जा साहब एक वाइज शख्स देख रहा अपनी लाइफ में अपने पोलिटिकल करियर जिन्हें जिंदगी कदम एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट अपनी जोरी जो दूर होया, मुखी साहब भी गए, महबा जी भी गए, जिन्हें मिनिस्टर भी जाते सरकार थी, तो कदे उस इंसान ने कदे किसी की कोई चुगली नहीं मारनी, सिर्फ अपने काम नाल मकसद। और जदों असी रजौरी जाना हमेशा एक कोशिश रहनी कि हर बंदा जो भी चाहे साढ़े PSO सन चाहे ड्राइवर सन कोई भी इंसान को खाना जाए, हर बंदा रोटी खा के जाए। तो लिहाजा ऐसे लोग दुनिया च बहुत घट आते हैं, अज साढ़े को लफज नहीं कि किन्ना लफजा नाल असी लोग मिर्जा साहब का जो ये अज जो उन्होंने डैथ हुई है अचानक डैथ हुई है, और क्योंकि जो उन्होंने उम्र नहीं सी जानती गई है, कि लफजा नाल असी उन्होंने अफसोस करिए, अज मैं पार्टी तरफों महबा जी की तरफों और पूरी पार्टी के बिहाफ से मैं आजाद मिर्जा साहब की जरा अज डैथ हुई है उसका अफसोस करना, उस पार्टी रब अगर दुआ करते हैं रबा उस पार्टी उस आजाद मिर्जा साहब की फैमिली में इन्ना हौसला दें, इतनी हिम्मत बख्शी कि वो इस ऐसी इतनी बड़ी जो दुर्घटना वाले कारण करती है इसके बाद निकल सकन उभर सकन, और वो फैमिली इस समय तो बाहर निकल के ताकि उम्मीद करांगे कि जिसका आजाद मिर्जा साहब ने इस रियासत की सेवा की थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सेवा की थी, अगर वो फैमिली भी इसी तरीके पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की और इस रियासत की सेवा करते रहेंगे। शुक्रिया। पूरा डिपार्टमेंट फुल फ्लैश डिपार्टमेंट सारी साड़ी डिमांड है कि जो डोगरी पढ़ाने वाले टीचर चाहिए, कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि प्राइमरी लैवल तक मातृभाषा च पढ़ाई प्रदेश जितने भी लोग होने वाले वो अपनी मातृभाषा डोगरी च लोगों के बच्चे अपने बच्चे की पढ़ाई देखो गल इं है कि अस अपनी बड़े पूरा मन तरीके एक निकी जी और बड़ी जैनुअन डिमांड सरकार आस्ते, मैं निकी जी इस करिए आख सकता कि सरकार कोई बड़ी कोई बड़ा इन्हें कि मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत। अस आखने कि सारे के सारे हायर सैकेंडरी स्कूल जिन्हें भी हैं इतने जम्मू कश्मीर वो 404 में असं 404 के 404 स्कूलों के डोगरी का सब्जैक्ट चाहिए और उत्थे टीचर चाहिए। अस आखा करने कि जिन्हें कॉलेज हैं जिन्हें भी हैं जम्मू डिवीजन उन्हें सारे डोगरी का सब्जैक्ट चाहिए और टीचर चाहिए। अस आखा करने कि जिन्या यूनिवर्सिटियां इतने हैं दो त्रैन चार पांच जिन्या भी हैं भाएं वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भाएं वह माता छैनपुर यूनिवर्सिटी है भाएं वह बाबा फरीद यूनिवर्सिटी भाएं कलस्टर यूनिवर्सिटी है, असें डोगरी का डिपार्टमेंट चाहिए डिपार्टमेंट और कन्या एक रिसर्च सेंटर चाहिए
अस आखा करने हैं कि प्राइमरी लैवल पर पढ़ाना है जो उ पढ़ा हूँ टीचर चाहिए दूसरा टीचर कि पढ़ा डोगरी आती नहीं जो डोगरी पढ़े लगनी है डोगरे होना एक बखरी गल है पढ़ा ये टेक्निकल मामला और हिंदी जानने वाला हिंदी पढ़ाई नहीं सकता और अंग्रेजी जानने वाला अंग्रेजी पढ़ाई नहीं सकता टीचिंग प्रोफेशन वक्रा है इस करिए उसे टीचर चाहिए जेडे बच्चों की डोगरी पढ़ान उस सब्जेक्ट चाहिए हायर सेकेंडरी स्कूल भी हाई स्कूल भी प्राइमरी स्कूल भी अस एक गल हो रखा कि सारे हिंदुस्तान के भाषाएं कने चैनल है बंगाली चैनल है मद्रासी चैनल है मराठी चैनल है शेर चैनल है तो डोगरी चैनल की नहीं पाई कदुआ की डिमांड करा करने कि डोगरी चैनल दो ताकि साड़ा कल्चर जोड़ा संभलो ही सकता अजें भी बड़ा कुछ है साढ़े वो संभलो है अस आखा करने कि श्राइन बोर्ड का पैसा खर्ची है नवरात्रा फैसटिवल होंगे उस टूरिज्म डिपार्टमेंट भी इनवॉल्व होंगे तो नवरात्रा फैसटिवल जोड़ा वो डोगरी की नहीं होंगे बाकी भी सारे लोग आन जो पूरे हिंदुस्तान चा वो देख कि साड़ा के कल्चर है किस चाली का कल्चर है इतने के है ताकि पता लगे पैसा तुम कितना खर्चे दे साड़ा पैसा खर्चे और गीत लोग गाते अस ही आखा करते बड़ी सिंपल जी है बड़ी सादा जी डिमांड अस चाहते हैं कि अजीत साहब इस भाषा को कर और थोड़े तौर पर मैं सुंदर बट्टा वार्ड नंबर 13 कर रहे थे आज हमने अपने दारूगढ़ मोहल्ले में ये तीसरा कैंप लगवाया पहले दो कैंप नागपुर में लगाया था और आज तीसरा कैंप हमारे दारूगढ़ मोहल्ले में ये आपके मोहल्ले से एक कैंप चल रही है तो ये सेंटर स्कीम है और जो इसका खास सभी लोग लाभ उठाए और इसकी एक ही साथ है जो राशन कार्ड बनता है और मैं तो चाहती हूँ कि वहाँ के सभी जितने भी मेहनत है इस स्कीम का लाभ और आपके मोहल्ले से जो महिला Thank you.
जनता बड़ी परेशान थी कि कैंप जो है ईज आउट करेगा आम इंसान की प्रॉब्लम, शाम तक मैक्सिमम लोग ऑन स्पॉट जारी करेंगे। मैं समझता हूँ बाकी जगहों इसकी शुरुआत की योजना की कैंप आगे भी लगेगी और आम बंदा जो है आम इंसान जो है जो डी सी ऑफिस समझना चाह रहा है समस्या प्रॉब्लम का होता है। करके जल्दी जल्दी उनको भी बेजिस दी जाए और 408 लोग हैं जिनको बेजिस नहीं मिलती उनकी भी NIC नहीं हुई है, उनका जो डाटा है चीफ ऑफिस में पड़ा है उनका डाटा भी जल्दी जल्दी फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजा जाए, उनको भी बेजिस दी जाए और उनकी भी NIC की जाए। 99 लोग हैं जिनमें 25 लोगों की उम्र के लोग हैं जिनकी 25 लोगों की NIC हुई है उनको बेजिस मिलती थी और मार्च महीने से उनकी जो बेजिस है वो बंद कर दी गई है। हम ये मांग करते हैं कि सरकार हमारी मांगें पूरी करे क्योंकि जो हमारे लोग हैं जैसे 462 हैं 408 हैं 99 हैं इनको बेजिस दी जाए जल्दी से जल्दी बेजिस दी जाए और इनकी जो है NIC दी जाए और इनके जो हमारे जो 381 के तहत जो DPC होनी चाहिए वो DPC टाइम टू टाइम हो जाए जैसे कश्मीर प्रोविंस के अंदर
लोग हमारे भाई हैं जो काम कर रहे हैं वो 10 और 11 12 के लोग जो रेगुलर हो गए हैं, तो हम जो वहीं रहे कि हमारी डेटें निकलती हैं मगर हमारा कोई अमल दरामद नहीं होता है। तो हम ये गवर्नमेंट से गवर्नर से अपील करते हैं कि होश में आ जाएँ, क्योंकि हमारे नौजवान जो लोग हैं उस टांगे करवा बैठे, कुछ बाजू करवा बैठे, कुछ शहीद हो गए कीमती जाने हो बैठे, मगर उनके बच्चे माँ बाप दर बदर हो रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं हो रहा, दर बदर हो रहे हैं, क्योंकि हमारी जो बीवी हैं लोगों के घर में बत्ती साफ करती हैं। जम्मू वालों जो कि साड़ी पंजाबी मां बोली नाल धक्का किया गया, उसके संबंध में जितना भी सोशल मीडिया इलैक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस मीडिया साढ़े पास आया उन्होंने बहुत बहुत वेलकम कर दिया। आज दी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह पिछले दिन ही 5 लैंग्वेज नूं जो कि प्रवानगी दी गई है उसके साड़ी पंजाबी मां बोली नूं ऑफिशियल लैंग्वेज तो बाहर रखा गया है, उस संबंध में आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है की जा रही है, हर धड़े ने हर वंग ने डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी स्टेट गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड सारे ने दूसरे धर्मों ने भी प्रोटेस्ट किए ने थां थां ते, लेकिन गवर्नमेंट ने अजे तक कोई एक्शन नहीं लिया। अज डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दोबारा प्रेस करके सरकार को दसना चाहती है कि जो 5 बोलियां जो प्रमाणित किया है जिन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिता है, पंजाबी मां बोली किस करके बाहर रखा गया, हालांकि पंजाबी मां बोली की अपनी लिपि है, लेकिन मैं मोदी साहब न अमित शाह अपने गवर्नर साहब को आगाह करना चाहता, सिख धर्म के बहुत बड़ा रोस है, क्योंकि आप जी को पता है सिख इतिहास में पढ़ो जब औरंगजेब ने इको धर्म बनाने कश्मीर को शुरू किया कि जंजू तिलक के जंजू लगान लिए पंडित कृपा राम जी 17 साथी ने नाम लैके आनंदपुर साहब गुरु तेग बहादुर पातशाह पास पहुंचे सन कि साडा धर्म खतरे च है, तो गुरु तेग बहादुर पातशाह ने कहा कि जा जाके सूबे को कह दियो कि गुरु तेग बहादुर अगर इस्लाम धारण कर लेगा असी सारे खुशी खुशी मुसलमान बन जावे। जदों गवर्नर नूं पता लग्या उसने दिल्ली औरंगजेब नूं सुनिया लिया, औरंगजेब ने कहा कि गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं पकड़ के दिल्ली लिया जाए, गुरु तेग बहादुर पातशाह उस वेले दिल्ली पहुंचे, 3 गुरु के सिख नाल जिहड़े के मतीदास जी सतीदास जी भाई दयाल दास जी 3 सिंह ते गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं चांदनी चौक में शहीद कर दिता गया। तिलक ते जंजू की खातर गुरु तेग बहादुर पातशाह अपनी शहीदी दे गए, फिर गुरु गोबिंद सिंह जी अपना सरबंस पार के इस हिंदुस्तान दियां गुलामी दियां जंजीरां नूं कट्टण लई सरबंस पार दिता। फिर समां लंघदा गया जदों हिंदुस्तान की आज़ादी की गल 1947 दे विच सिखां ने बद चढ़ के शहीदियां दित्तियां, 90% सिख कौम का योगदान हिंदुस्तान नूं आज़ाद कराने लई 1965 दे विच सिखा ने शहीदियां दित्तियां, 1971 की जंग हुई उसमें शहीदियां दित्तियां, चाहे कारगिल युद्ध सी चाहे मौजूदा साडा चाइना नाल जो इस वक्त को बाड़ा से खड़ी है, पर मैं सरकार को पूछना चाहता साड़ी सिख धर्म नाल क्यों यह धक्का किया गया, क्यों धक्का बाहर रखा गया जो कि 500 साल पुरानी साड़ी बोली गुरु नानक पातशाह तो आरंभ हुई सी, टेस्ट हुए ने पर सरकार ने कोई भी सुपर अजे तक एक्शन नहीं लिया। असी सरकार नूं मांग करते हैं, असी अपने चेयरमैन सत्कार जो सरदार तरलोचन सिंह जी वजीर नूं नाल लैके डिस्ट्रिक्ट नूं लैके बुद्धिजीवी नूं नाल लैके पतवंत ते संजना नूं लैके असी एलजी साहब नूं मिलन जा रहे हैं। बहुत से पेट्रोल पंप खाली हो गए हैं, ड्राई हो चाहे वो भारत पेट्रोलियम का हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का हो या इंडियन ऑयल का हो। हम ये बात करेंगे कि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में ये जो आंदोलन पंजाब में चल रहा है उसकी वजह से खाली कमी जो है जम्मू क्षेत्र के तमाम जिलों में डिस्ट्रिक्ट में शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल
वेयर हाउस की सब्ज मंडी में सप्लाईज नहीं होने की वजह से तमाम चीजें महंगी होती जा रही हैं और चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हमारी ये सरकार से और उपराज्यपाल साहब मनोज सिन्हा साहब से ये मांग है कि कृपया करके जम्मू क्षेत्र में और जम्मू कश्मीर में पेट्रोल डीजल की सप्लाई को सुनिश्चित किया जाए ताकि चीजों के दाम बढ़े नहीं। और साथ में हमारी ये भी मांग है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम किया जाए और प्रधानमंत्री जी आप इसको पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएं ताकि आम राहत लोगों को मिल सके, क्योंकि इतना महंगा पेट्रोल होने की वजह से आम नागरिकों के बजट जो है वो खराब होते जा रहे हैं और तमाम पेट्रोल पंप जो है वो खाली पड़े हुए हैं और ये चिंता का विषय है, जिसकी वजह से तमाम जम्मू शहर की सब्ज मंडियों में वेयर हाउस कनक मंडी तमाम जरूरी चीजें नहीं मिल रही हैं। ये चिंता का विषय है और आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से पेट्रोल और डीजल की कमी रही तो चीजों के दाम बढ़ेंगे और आम लोगों की जेबों के और लास्ट में हम यही कहेंगे कि जेके न्यूज ब्रेक आपको हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर, हर अपडेट देने की कोशिश करेगा। नमस्कार।